Hello, I wish you a very warm good morning to all dear student. Today I will going to discuss about the geological time scale. From the origin of the earth and recently time, in between time divided into the many eras, period and epoch. In previous study we were already discussed about the paleontology like type of evidence, but today we are discuss a very important topic that is called geological time scale. In between the origin of the life and modern time, many type of diversity were developed. तो जो आइए हम उसी डाइवर्सिटी का आज अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. दैट टाइप ऑफ टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड आवर नॉलेज. एट दैट टाइम द प्लांट्स ओरिजिनेटेड एज वेल एज एनिमल्स आल्सो वर ओरिजिनेटेड. किस टाइप से ये टाइम स्केल को हम डिवाइड कर रहे हैं, इस टाइप से हम स्टडी आज करेंगे. यहाँ यह बच्चों देखिएगा, एक आपके सामने टेबल दिखाई गई है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स उसका डेवलपमेंट दिखाया गया है. इस टाइम स्केल को मैं थोड़ा सा अपने ट्रिक्स के हिसाब से समझाने का प्रयास करूँ तो आप देखिएगा किस प्रकार से इसे हम यहाँ पर समझा सकते हैं. तो इसमें एक ब्लैंक हम बोर्ड लेके बताएंगे, यहाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करेंगे. जो भी यहाँ पर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग आप देखोगे, यहाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो इस टाइम स्केल के अकॉर्डिंग बच्चों हम देखेंगे कि अर्थ को, यूनिवर्स को ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर अब तक विभिन्न टाइम में डिवाइड किया गया है. इनिशिएटिंग में हम यहां पर कहते हैं कि एज जो एक एरा, यह नाम दिया गया, एरा वर्ड दिया गया. बच्चों ध्यान रखना, एरा का मीनिंग क्या है, यहां आप देखें एरा, हम यहाँ पर ये एरा वर्ड दिया गया है. एरा का मीनिंग यहाँ एक बड़ा टाइम स्केल हम लेते हैं जो एजोइक एरा. इसके बाद में प्रोटेरोजोइक एरा, देन पेलियोजोइक एरा, देन मीजोजोइक एरा, देन सीनोजोइक एरा. तो इस प्रकार से ये फाइव एरा में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे टाइम स्केल को. ए जोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा और मीजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा. एरा बच्चों जिसे हमारे हम वाच है, वाच के अंदर हम देखते हैं, ये वाच है, इस वाच के अंदर है एक जो हमारा छोटा या एंगल होता है वो आवर्स को बताता है. इसके बाद में एक और एंगल होता है वो मिनट को बताता है. इसके बाद में एक और एंगल होता है इस वो क्या है यहाँ पर है, वो सेकंड को यहाँ बता रहा है. ये थ्री इसके अंदर टाइम स्केल एक वॉच के अंदर होते हैं, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एरा, पीरियड एंड एपोक. एरा यहाँ बड़ा टाइम, लार्ज टाइम स्केल को यहाँ शो कर रहा है, देन पीरियड उसके स्मॉल टाइम स्केल को शो कर रहा है, देन यहां पर एपोक एक वर्ड आएगा वो और स्मॉल टाइम स्केल को शो कर रहा है. यहां तो मैंने यहां थ्री वर्ड लिया, एरा, एरा ग्रेटर देन पीरियड, पीरियड ग्रेटर देन एपोक. ये यहां पर एक आप देखिएगा एक सीक्वेंस बनती है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पर कि बड़े से छोटे की तरफ, लार्ज टू स्मॉलेस्ट, इन वर्ड को हम यहाँ पर यूज करते हैं तो वो किस प्रकार से हम यहाँ यूज कर रहे हैं. तो आप देखिएगा ये हम एरा इज ग्रेटर देन
पीरियड एंड पीरियड ग्रेटर देन द एपोक, ये थ्री वर्ड इस टाइप से यूज कर रहे हैं। तो लार्ज टू स्मॉल, स्मॉल टू लार्ज, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सीक्वेंस का आपसे पूछ सकते हैं। अब कहां पर किस एनिमल की का ओरिजिन हुआ है, एजोइक एब और एब्सेंट जोइक मींस यहां पर लिविंग बींग, जहां बच्चों किसी प्रकार का कोई लिविंग बींग डेवलप नहीं हुआ था, ओरिजिन नहीं हुआ था, अर्थ बिल्कुल क्या है यहां सुटेबल नहीं थी किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ऐसे पीरियड को, ऐसे एरा को, ऐसे काल को, महाकाल को हम कहते हैं एजोइक टाइप का एरा। देन सिंपलेस्ट हमने कहा प्रीबायोटिक सूप का डेवलपमेंट हुआ, सिंपलेस्ट एनिमल बने, इनवर्टिब्रेट्स बने, या उसके अंदर हम कह सकते हैं कि ग्रीन एल्गीज बनी, या और उस बीजी ब्लू ग्रीन एल्गी का डेवलपमेंट हुआ, वो टाइम यहाँ पर है प्रोटोजोइक। देन पैलियोजोइक, फिर प्रोटोजोआ जैसे इनवर्टिब्रेट जैसे एनिमल का डेवलपमेंट हुआ, तो वो पीरियड है, वो यहाँ पर एरा है पैलियोजोइक। देन वर्टिब्रेट जिसमें वेल डेवलप वर्टिब्रेट और रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, जहां पर रिसेंटली जो एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म है जो एंजियोस्पर्म और मैमल्स है वो यहाँ डेवलप हुए, सबसे ज्यादा एविडेंट एनिमल है वो सीनोजोइक एरा में। तो या वन वर्ड में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एजोइक एरा नो लाइफ, या किसी प्रकार की इसमें कोई लाइफ नहीं थी। प्रोटेरोजोइक इसका मीनिंग यहां पर सिंपल है, सिंपल लाइफ है, वन वर्ड में हम इसे लर्न कर सकते हैं, सिंपल लाइफ है, अपन कह सकते हैं प्रिमिटिव लाइफ भी कह सकते हैं, प्रिमिटिव लाइफ है यहां पर डेवलप हुई थी, इस प्रकार से आप यहां डिवाइड कर सकते हो। पैलियोजोइक है यहां पर प्रोटोजोवन, जो मैक्सिमम जो प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोवन है, और कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स का डेवलपमेंट कब हुआ था यहां पर पैलियोजोइक एरा में। मीजोजोइक में यहां वर्टिब्रेट्स थे, मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स थे, और वर्टिब्रेट में यहां रेप्टिलियन जो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स है इसी टाइम में डेवलप हुए थे, इसलिए मीजोजोइक ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स, गोल्डन एज ऑफ, एज ऑफ रेप्टाइल्स, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स है, किसको कहते हैं हम मीजोजोइक को कहेंगे। और सीनोजोइक के जहां हम पर रिसेंटली और कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न ऑर्गेनिज्म बने हम कहेंगे यहाँ मैमल्स का डेवलपमेंट इसी टाइम में हुआ, एंड इसके साथ में प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी बच्चों इसी टाइम बना, यहाँ फ्लावरिंग प्लांट इस समय बने। तो एज ऑफ मैमल और एज ऑफ एंजियोस्पर्म नोन एज दी सीनोजोइक एरा, ऑल्सो नोन एज दी द गोल्डन एज ऑफ दी मैमल्स, द गोल्डन एज ऑफ दी एंजियोस्पर्म में। तो इस टाइप से इन एरा को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो एरा है इस टाइप से है। अब इनके अंदर जैसे पैलियोजोइक एरा है इसके अंदर पीरियड भी है बच्चों, इसके अंदर जो पीरियड है पैलियोजोइक एरा के अंदर, इसे याद रखने के लिए एक मैं ओरिजिन के बेस पे सी ओ एस कोस डी सी पी, कोस डी सी पी, ये आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा। तो कोस डी सी पी इसका मीनिंग सिक्स पीरियड है, सी कोस डी सी पी में सी फॉर कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन ये सबसे पहले बना, देन ऑफ और ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन ये उसके बाद में बना, एस फॉर सिलूरियन, एस फॉर सिलूरियन उसके बाद में बना, डी फॉर डेवोनियन, डेवोनियन ये इसके बाद में बना, और सी फॉर कार्बोनिफेरस, कार्बो निफेरस याद रखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिफेरस, एंड पी फॉर परमियन, पी फॉर परमियन ये उसके बाद में बना। इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या है पीरियड है, सिक्स पीरियड किसके है पैलियोजोइक जो एरा है उसके सिक्स पीरियड है। पैलियोजोइक एरा डिवाइडेड इनटू सिक्स पीरियड है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन पीरियड है फाउंड इन दी पैलियोजोइक एरा। एंड मीजोजोइक ऑल्सो दे आर थ्री पीरियड, इसे याद रखने के लिए हम बच्चों एक फॉर्मूला और बना सकते हैं इसके लिए अलग से, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मीजोजोइक के लिए, यहाँ टी जे सी,
टी जैसी, इसमें भी आप याद रखना, सीक्वेंस आपको याद रखनी है, मेन यहां बात याद रखना, नेमिंग लर्न करने की बात नहीं है, सीक्वेंस रखनी है कि सबसे पुराना है इसमें क्या है, कैम्ब्रियन ही है सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है, सबसे एंशियंट है, सबसे पहले जो डेवलप हुआ कैम्ब्रियन हुआ, देन ऑर्डोविशियन, देन सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरियन, परमियन। तो इस पीरियड में सबसे रिसेंट पीरियड कौन सा हुआ यहां पर, तो परमियन है वो सबसे रिसेंट पीरियड है। ऐसे ही टी जैसी, टी फॉर ताजा, जे टी जे बोर ताजा, सी बोर चाय, ताजा चाय याद रख लेना इसे, तो टी जे सी, टी बोर है यहाँ पर ट्राई एसिक, ट्राई एसिक, और जे बोर जूरेसिक, याद रखे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जूरेसिक, और फिर यहाँ पर सी बोर क्रिस्टेशियस, 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 तो ये यहां थ्री पीरियड है किसके, मीजोजोइक एरा के। तो यहां पर भी आप देखिए कि मीजोजोइक एरा में सबसे पहले कौन सा पीरियड डेवलप हुआ था, ट्रायसिक, देन जुरेसिक, देन क्रिस्टेशियस। जुरेसिक वो टाइम है जहां पर लार्जेस्ट रेप्टाइल्स बने थे, यहां पर अपडेंट रेप्टाइल फाउंड इन दी अपडेट लार्जेस्ट रेप्टाइल फाउंड इन दी जुरेसिक पीरियड लाइक डायनासोर। आज वो एक्सटिंक्ट है लेकिन डायनासोर है वो सबसे पहले कहां, किस समय वो ओरिजिन हुए थे, तो ओरिजिन की बात करें तो ट्रायसिक में तो ओरिजिन हुए थे, जुरेसिक में वो अपडेंट थे, फ्लोरेसेंट थे यहां पर, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी के अंदर डायनासोर वहां पर थे। और उसके बाद में क्रिस्टेशियस जो पीरियड आया उस समय डायनासोर है ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो इस प्रकार ये डायनासोर का टाइम माना जाता है एज ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द डायनासोर एंड गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स, ये मानते हैं हम किसको, मीजोजोइक को। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसके पीरियड को याद कर सकते हो। देन सीनोजोइक एरा है, इसके दो पीरियड है, एक पीरियड को हम टर्शियरी और एक पीरियड को हम क्वार्टरनरी पीरियड के नाम से जानते हैं, टर्शियरी और क्वार्टरनरी इस पीरियड के नाम से जानते हैं। इसमें फिर एपोक है, सबसे पहले एपोक है, एपोक किसके अंदर ही डिवाइड किए गए, तो सीनोजोइक एरा में एपोक बच्चों डिवाइड किए गए, द एपोक फाउंड इन ओनली सीनोजोइक एरा, अनदर टाइप ऑफ द एरा डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एपोक। ओके, यू आर क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रिक, अकॉर्डिंग टू ट्रिकली द ओरिजिन ऑफ द लाइफ एंड द जियोलॉजिकल ऑफ द टाइम स्केल। तो ये बच्चों आप यहां पर समझ चुके होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को आप समझ जाओगे तो आप बहुत सारी क्वेश्चन है अपनी एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे देखोगे तो ऐसे वर्ड वहां पर आएंगे और इन वर्ड्स की सहायता से आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां हम बच्चों आगे हम एक टेबल के द्वारा देखेंगे कि किस समय कौन सा पीरियड है, कौन सा एरा डेवलप हुआ और कौन सी लाइफ डेवलप हुई। तो आगे हम चलते हैं तो देखिएगा, हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे बच्चों कि एक टेबल बनाई गई है जिसमें यहां पर एरा लिखा गया है, एक साइड में यहां पर एरा बताया गया है, ये एरा है, इसके बाद में पीरियड है, देन एपोक है, देन ड्यूरेशन है, देन एनिमल सीक्वेंस है, देन प्लांट सीक्वेंस है। तो ये टेबल बनाई गई है, इस टेबल में हम देखेंगे कि सबसे पहले कहां से क्या पीरियड डेवलप हुए, कौन से डेवलप हुए। तो हम यहां पर चलते हैं, सबसे पहले एजोइक के पार्ट से चलते हैं बच्चों, देखिएगा एजोइक, एजोइक सबसे मैंने नीचे लिखा है इसलिए कि सबसे पहले यहां पर डेवलप हुए थे एजोइक। एजोइक में यहाँ कब हुआ था, ये नियर अबाउट एजोइक पीरियड जो है 1.0 बिलियन ईयर एगो डेवलप हुआ था। एट दैट टाइम नो लाइफ ओनली केमिकल इवोल्यूशन टुक प्लेस इन द प्रिमिटिव ओशियन, तो सो डज नॉट फाउंड ऑफ एनी टाइप ऑफ द लाइफ एट दैट टाइम। देन सेकेंड इज द आर्कियोजोइक एरा, near about the Archaeozoic era developed about the 1.5 billion year ago. At that time origin of life in the sea from organic material and like prokaryotes like Monera were developed and also eukaryote, protista were developed, evolved and diversified. Then the prokaryotic form of the life form blue green algae
ओरिजिनेटेड बीजीए, बीजीए और यहां पर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वर डेवलप एट दैट टाइम और इन द आर्कियोजोइक एरा। हाउ मेनी टाइम में ये एगो दे डेवलप्ड, 1.5 बिलियन ईयर एगो वर डेवलप्ड, देन दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रिवोल्यूशन। दैट टाइम लाइक एजोइक एंड आर्कियोजोइक नोन एज द फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रिवोल्यूशन, देन प्रोटेरोजोइक एरा वर डेवलप्ड, near about 1.93 billion year ago the proterozoic animals were developed, era were developed like invertebrate protozoa, cnidaria, sponge, annelida and molluscas are evolved. The single cell bacteria and blue green algae are all in the sea at that time also. देन नेक्स्ट हम यहां पर देखें द पेलियोजोइक एरा देन डेवलप। द पेलियोजोइक ऑल्सो डिवाइडेड इंटू दी सिक्स पीरियड। मैंने यहां फॉर्मूला आपको बताया था कोस डीसीपी, कोस यहां सबसे पहले नीचे से हम एंशियंट टाइम से चल रहे हैं तो कैम्ब्रियन पीरियड, कोस सीप और कैम्ब्रियन, ओवर ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। ये आपको एक ट्रिक बताई थी यहां कब डेवलप हुए, द कैम्ब्रियन डेवलप नियर अबाउट 7 करोड़ ईयर एगो एंड ऑर्डोविशियन 6 to 7 करोड़ ईयर एगो एंड सिलूरियन 3 to 4 करोड़ ईयर एगो एंड डेवोनियन 5 करोड़ ईयर एगो एंड कार्बोनिफेरस 6.5 करोड़ ईयर एगो एंड परमियन 5 करोड़ ईयर एगो। इस टाइम से बच्चों ये एनिमल्स है वो डेवलप हुए। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल डेवलप एट दैट टाइम, दैट इज कॉल्ड इन द कैम्ब्रियन द ट्राइलोबाइट्स एंड ब्रैंकियोपोड्स वर डोमिनेट, द इकाइनोडर्मेट्स were also present, no life on the land at that time, only life found in the sea but does not found in the land or terrestrial life. The marine bats colonial multicellular filamentous algae evolved in the ocean and in the Ordovician, the origin of the jewel species in the fresh water, evidence of the giant mollusk and brachiopods and trilobites, the echinodermates, the first vertebrates were developed in that time, Ordovician. Ordovician is very very important due to first time the vertebrate developed in that time and origin of the जेल पीसीज इन द फ्रेश वाटर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बच्चों यहां पूछा जा सकता है कि ओरिजिन ऑफ द जेल पीसीज इन द फ्रेश वाटर व्हेन, तो आंसर क्या आ गया यहां पर, इन द ऑर्डोविशियन पीरियड। विच पीरियड, इन द ऑर्डोविशियन पीरियड। एंड इन केस ऑफ प्लांट हम देखें तो प्लांट रिचेज फ्रेश वाटर, द मेराइन प्लांट अबडेंट एट दैट टाइम, या और एनिमल ओरिजिन है यहां पर, प्लांट ओरिजिन यहां पर बताया गया है। Then next day the Silurian about the 3 to 4 crore year ago, the evolution of the arthropods and insects and jewels primitive species evolved. Jewels means jewelry like sundar species, beautiful jo animal hai wo develop hue, species develop hui yahan par. The evolution of the most evolution of the arthropods in the Silurian period and also insect develop in the Silurian period and the some plant the coelophytes and land fern were in the large number, the origin of the vascular plant in that time. It is very very important bachcho ki द वेस्कुलर प्लांट डेवलप्ड एट दैट टाइम, तो आंसर आएगा इन दी सिलूरियन पीरियड। तो ये याद रखें यहां। देन डेवोनियन पीरियड द एज ऑफ फिशेज, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बच्चों, ये है बहुत ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन है यहाँ, द एज ऑफ द फिशेज, आंसर आएगा डेवोनियन इज एज ऑफ फिशेज, मोस्ट फिशेज आर इवॉल्व इन द डेवोनियन पीरियड एट अबाउट द
5 crore year ago, the origin and evolution of the shark fishes, bony fishes, as well as lung fishes, and appearance of the first amphibian at that time. The origin of amphibian, the answer is also Devonian period. The abundance of the fishes, many type of fishes, shark, lungs, and bony fishes, the answer is Devonian type. Or at that time, the giant club moss also developed. जाइंट क्लड क्लब मॉस बच्चों ये भी इसी समय डेवलप हुआ था. देन कैम्ब्रियन पीरियड अबाउट द 6.5 करोड़ ईयर एगो द एविडेंस ऑफ द शार्क एंड एम्फीबियन एविडेंस ऑफ द शार्क एंड एम्फीबियन एंड ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल लाइक द सिमूरिया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दे रखा है बच्चों. Simuria and spider and insects are declined at that time. The ancestral gymnosperm and fern dominated bryophytes originated and origin of the first seed plant. ये भी बहुत important है question कि first seed plant है कब origin हुए थे. तो Carboniferous period में यहाँ first seed plant का origin हुआ था. Then Permian period near about 5 crore year ago, the extinction of the trilobites and origin of the mammals like reptiles and in the plant the among gymnosperm and the evolution of the conifers tree also were developed. तो ये बच्चों इस प्रकार से यहाँ origin हुआ. देन हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ अब आते हैं मीजोजोइक एरा के अंदर. मीजोजोइक एरा इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरा which is divided into three period, the Triassic period, then Jurassic period and the Cretaceous period. ताजा चाय मैंने क्या बताया TJC. सबसे पहले Triassic develop हुआ, then Jurassic develop हुआ, then Cretaceous develop हुआ. The Triassic period developed about the evolved of the 3.5 crore year ago, Jurassic 5.4 crore year ago, then Cretaceous 7.1 crore year ago. In the Triassic period, the origin of the first oviparous Prototheria, as well as dinosaur and flying reptile. There are three type of main animals were developed. First is oviparous Prototheria like Protopterus, Prototheria mammals. Mammals में oviparous वाले mammals इसी समय develop हुए थे. और जब ये मेमल डेवलप हुए तो डायनासोर डेवलप हुए. तो कहने का मीनिंग मेमल और डायनासोर का ओरिजिन है वो सेम टाइम हुआ है. और फ्लाइंग रेप्टाइल्स उड़ने वाले रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट भी इसी टाइम हुआ है. देन इन द प्लांट द फॉरेस्ट ऑफ द कॉनिफर्स एंड साइकेड्स एंड अदर जिम्नोस्पर्म ऑल्सो वर डेवलप इन दैट टाइम. देन इन जुरेसिक पीरियड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड द जायंट रेप्टाइल लाइक डायनासोर वर at peak evolution of the toothed bird like Archaeopteryx and marsupial evolved from the Prototherian. तो यहाँ abundant of the dinosaur थे बच्चों. so golden age of the dinosaur known as the Jurassic period. it is very very important question. the golden age of the dinosaur the Jurassic period. अब यहाँ dinosaur के साथ में यहाँ development हुआ Archaeopteryx birds का एंड मार्सुपियल कंगारू जैसे जो एनिमल है उनका डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम द प्रोटोथीरिया. एंड एट दैट टाइम इन द प्लांट द इवोल्यूशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म वाज एट पीक. तो एज ऑफ द जिम्नोस्पर्म आल्सो नोन एज द जुरेसिक पीरियड. देन क्रिस्टेशियस पीरियड 7.1 करोड़ ईयर एगो द एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन. यहां पर डायनासोर बच्चों एक्सटिंक्ट हुए एंड प्रिमिटिव बर्ड्स आल्सो डेवलप. द फर्स्ट मॉडर्न बर्ड्स अपीयर्ड एंड प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल्स लाइक इंसेक्टिवर्स स्लू ओरिजिनेट इन दैट टाइम. तो यहां डायनासोर की बच्चों यहां देखिएगा डेथ हुई डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए और उसके साथ में है वो प्लेसेंटल मैमल डेवलप हुए और इसके साथ में इंसेक्ट उसमें जो मैमल्स था स्लू ओरिजिनेट हुआ. फर्स्ट मॉडर्न बर्ड है जो फ्लाइंग बर्ड है फ्लाइट बर्ड है वो भी यहीं डेवलप हुआ था. एंड एट दैट टाइम द बिगनिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द डाइकोट एंजियोस्पर्म अपीयर्ड. तो इसमें एंजियोस्पर्म भी यहाँ अपीयर हुआ था. तो ओरिजिन ऑफ द एंजियोस्पर्म में तो आंसर आएगा क्रिस्टेशियस पीरियड है. इट इज ओरिजिन ऑफ द एंजियोस्पर्म. देन सीनोजोइक एरा इट इज ए मॉडर्न एरा
एज ऑफ मेमल्स, एज ऑफ एंजियोस्पर्म, सीनोजोइक एरा ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड, बट द टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड ऑल्सो डिवाइडेड इंटू एपोक, मेनी टाइप ऑफ एपोक। तो फॉर्मूला आपको बताया पीईओ, पीओ मदिरा, पीईओ एमपीपी, PEO MPP। तो यहाँ P for Paleocene, E for Eocene, O for Oligocene, M for Miocene, P for Paleocene और P for Pleistocene then Holocene। तो इसमें टर्शियरी पीरियड है, इसको बच्चों यहाँ पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लियोसीन के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। इन द पेलियोसीन 8.0 लाख ईयर एगो, the Eocene 1.2 crore year ago and Oligocene 1.9 crore year ago and Miocene 1.1 crore ago and Pliocene 1.3 crore year ago they were developed. In the Paleocene, the evolution of the insectivorous small mammals and the carnivorous mammals also developed. In the plant, the forest of the angiosperm were developed. Then Eocene, evolution of the diversified placental ancestor of hoofed carnivores and marine mammals and birds, and the beginning of the grass plant and flowering plant spread into the forest. Then Oligocene, the arthropod anthropoid ape evolved from the monkey and crocodiles at that time, Oligocene, and rise of the monocots plants. It is very very important. In the Miocene, the mammal at the height of the evolution and evolution of the man-like ape and the other mammals like sheep, goat, dog and elephant also were developed, and the land and terrestrial plant evolved at that time. Then in Pliocene, the ape-like ancestor of the human appeared, and the evolution of the herbaceous plant, and the Pleistocene in the Quaternary period, the human appear. First time the human appear in the Pleistocene or Quaternary period, and the appearance of the social life of the man and decline of the giant mammals and increase of the herb and the grasses at that time. Then the Quaternary period, Holocene or recent period or age of the mammals, age of the man, and continuing till the dead, the mental age will be developed and the supremacy of the man, and in that time the increase of the herbaceous plant and evolution of the monocot plants. तो बच्चों इस प्रकार से यहां तक हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग है वो देवर डेवलप्ड है। तो बच्चों आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द टेबल्स ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल लाइक एजोइक टू सीनोजोइक एरा। ओके देन अब आगे चले यहां पर बच्चों देखें तो इसके अंदर आप देखिएगा नेक्स्ट एविडेंस हम लेके दें बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। फर्स्ट द नेम ऑफ द एविडेंस द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल एविडेंस मीनिंग हम यहाँ पर सिंपल एनिमल टू कॉम्प्लेक्स एनिमल, रिसेंटली एनिमल की स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड स्टडी ऑफ द एनाटॉमी हम देखें तो बहुत सारी लोअर एनिमल और हायर एनिमल में यह सिमिलरिटीज प्रेजेंट है। उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन एनिमल्स के अंदर जो चेंजेज हुए हैं वो कुछ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यहां बने है और बहुत सारे एनिमल रिसेंटली है मॉडर्न एनवायरमेंट में है इसकी इंटरनल एनाटॉमी है वो सेम होती है, कहीं पर फंक्शन सेम होते हैं जो शो कर रहे हैं कि लाइफ का ओरिजिन है वो यहाँ लोअर टू हायर हुआ है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुआ है। जिसमें टू वर्ड हम काम में लेते हैं, फर्स्ट इज द होमोलॉजिकल होमोलॉजी एंड सेकंड इज एनालॉजी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस होमोलॉजी एंड एनालॉजी। होमोलॉजी, इन द होमोलॉजी वी आर स्टडी, वी गोइंग टू स्टडी द होमोलॉजी ऑर्गन होमोलॉजी, लॉजिकल ऑर्गन्स एंड इन द एनालॉजी तो एनालॉजिकल ऑर्गन्स, एनालॉजिकल ऑर्गन्स
वी कैन स्टडी इन दैट टाइप ऑफ टॉपिक होमोलॉजी एंड एनालॉजी. होमोलॉजी का मीनिंग यहां पर है बच्चों द ओरिजिन ऑफ द ऑर्गन, द ओरिजिन ओरिजिन ऑफ ऑर्गन्स आर सेम. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के ओरिजिन की देखिए तो सेम, बट फंक्शन से हम ये क्या है डिफरेंट. यहां पर फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या हुआ, यहां पर डिफरेंट हो गया. ओरिजिन सेम है, पेरेंट सेम है, बट या डिफरेंट अडेप्टेशन और डिफरेंट एनवायरमेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण है इसके अंदर है, उन ऑर्गन्स के फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाते हैं. तो ये शो कर रहा है बच्चों की लाइफ का ओरिजिन है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुआ है, और हमारा एंसेस्टर कहीं ना कहीं पर है वो एक ही एंसेस्टर हुआ है, हम एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए है. बट एनालॉजी के अंदर एनालॉजिकल ऑर्गन जो बनाते हैं, एनाटॉमिकल ऑर्गन्स जो बना रहे हैं उसके अंदर हम कहते हैं ओरिजिन. तो बच्चों यहां पर ओरिजिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से हुई है, डिफरेंट एंसेस्टर से हुई है, बट यहां फंक्शन देखें उन ऑर्गन के, इनके फंक्शन हम देखें तो फंक्शन बच्चों यहां पर सेम एनवायरमेंट में रहने के कारण वो यहां एक जैसे बन जाते हैं, एक जैसी एनाटॉमी बन जाती है, एक जैसी या फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बन जाती है. तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एनालॉजिकल ऑर्गन्स कहेंगे या एनालॉजी कहेंगे यहां. तो होमोलोगस और एनालोगस वर्ड भी काम में लेते हैं. द होमोलोगस ऑर्गन मीन्स ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट, द एनालोगस ऑर्गन ओरिजिन डिफरेंट बट द फंक्शन इज सेम ऑफ द ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड होमोलॉजी एंड एनालॉजी. इसको हम डिस्क्राइब करेंगे किस प्रकार से ये यहां हम कह सकते हैं. तो यहां देखिएगा होमोलॉजी के अंदर क्या कहा गया है. होमोलॉजी का मीनिंग है द सिमिलरिटी बेस्ड ऑन द कॉमन ओरिजिन एंड ए सिमिलर बेसिक प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड द होमोलॉजी. तो ओरिजिन बच्चों सेम है, ऑर्गेनाइजेशन उनका सेम है, बट आगे चल के फंक्शन यहां पर डिफरेंट मिलेगा, इसको हम होमोलॉजी कहेंगे. द सिमिलरिटी इन द अपीयरेंस एंड द फंक्शन इज नॉट नेसेसरी. ओके बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. देन द ऑर्गन विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन आर द कॉल्ड द होमोलॉगस ऑर्गन. एंड होमोलॉगस टर्म गिवन बाय द रिचर्ड ओवेन. रिचर्ड ओवेन तो कहने का मीनिंग यहां वन वर्ड में बात करें तो ओरिजिन ओरिजिन्स आर सेम इन द ऑर्गेनिज्म बट द फंक्शन आर डिफरेंट ऑफ द ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड होमोलॉजी या और होमोलॉगस ऑर्गन. तो ये बच्चों हमें ध्यान रखनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन एग्जाम्पल ऑफ द होमोलॉजी ऑफ द ऑर्गन, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फोर लिंब ऑफ द मैमल्स. फोर लिंब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल्स लाइक ह्यूमन, ह्यूमन फोर लिंब ही है, देन केट फोर लिंब, देन व्हेल फोर लिंब एंड द बैट फोर लिंब. द ह्यूमन फोर लिंब, केट फोर लिंब, व्हेल फोर लिंब एंड बैट फोर लिंब आर ओरिजिन, ओरिजिन आर सेम लाइक अमंग्स एनिमल्स फोर लिंब फॉर्म बाई द होमर्स रेडियस अल्ला फ्लेंजेस, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट द फंक्शंस आर डिफरेंट डिफरेंट. लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, द फर्स्ट बोन इज होमर्स, सेकेंड इज रेडियस एंड अल्ला, then the carpels, metacarpals and phalanges also found in the old type of the animals, but functions are different in that type of animals. Human anterior limb, human fore limb, the function of human fore limb for the capturing of the things, but the cat fore limb for running, adapted for the running, and whale fore limb adapted for the swimming, and the bat forelimb adapted for the flying due to presence of the patagium and due to presence of the flipper in the whale. तो यहां हम बच्चों देख सकते हैं कि पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है, पूरी बोन ऑल बोन्स आर ओरिजिन फ्रॉम द मेसोडर्मल लेयर, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लेयर. तो ओरिजिन आर सेम बट फंक्शन आर डिफरेंट ड्यू टू दे फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट
एनवायरमेंट, ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो यहां बच्चों ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एनसीईआरटी भी इसको बोलती है, या कि होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल क्या है, द फोर लिंब ऑफ द मैमल्स। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज द, यहां हम हॉर्स, बेट, वेल, सील और मेन की अपीयरेंस और फंक्शन की बात करें, फुट, विंग, पेडल्स, फ्लिपर और हैंड, जो डिफरेंट डिफरेंट यहां पर फंक्शन कर रहे हैं, रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग एंड द होल्डिंग, होल्डिंग कौन कर रहा है, अपना हैंड है वो थिंग्स होल्डिंग करने का फंक्शन कर रहा है। देन इन देयर फोर लिम्स सिमिलर बोन आर प्रेजेंट लाइक हूमर्स, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। ये सब के अंदर बच्चों यहां पर सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होती है। लेग ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, द सेकंड एग्जांपल ऑफ द होमोलॉजी, द लेग ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। लेग ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स लाइक इंसेक्ट्स, द कॉकरोच लेग फंक्शन इज वॉकिंग एंड द हनीबी लेग द फंक्शन इज द कलेक्टिंग ऑफ द पोलन्स, बट इन द बोथ सेगमेंट लेग आर द प्रेजेंट एट द सेगमेंट आर द सेम लाइक द कॉक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टीबिया एंड 1-5 जॉइंटेड टार्सी। द स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर आर सेम इन द टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपॉड्स, बट द फंक्शन इन द डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट आर द डिफरेंट डिफरेंट, लाइक कॉकरोच लेग द फंक्शन इज वॉकिंग एंड द हनीबी फंक्शन, हनीबी लेग द फंक्शन इज द कलेक्टिंग ऑफ द पोलन्स। ओके, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। देन द माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट, द इंसेक्ट हैज मेनी टाइप ऑफ द माउथ पार्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू फीड और फीडिंग। द कॉकरोच हैव द बीटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, हनी बी चीविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, द मॉस्किटो पियर्सिंग एंड द सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इन ईच ऑफ दीज इंसेक्ट द माउथ पार्ट कंपेराइज द लेब्रम, मैंडिबल एंड द मैक्सिली आर सेम ओरिजिन बट द फंक्शंस आर डिफरेंट डिफरेंट। देन होमोलॉजी इज आल्सो सीन इन द स्केलेटन, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। वी हैव मेनी विसरल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, लाइक किडनी, लाइक लंग्स, द ओरिजिन ऑफ दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर सेम इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, बट फंक्शन इज डिफरेंट डिफरेंट, लाइक एक्वाटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड एरियल एनिमल्स। The thorn of the bougainvillea, in the plant के केस में देखें, thorn of the bougainvillea and tendrils, both origin are same of the cucurbita, the modification of the axillary bud, but wings of the sparrow and pectoral fin of the fish are example of the homology, wings of sparrow, it is very very important example, ध्यान रखें बच्चों यहाँ पर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये पूछा जाता है, विंग्स ऑफ स्पेरो एंड पेक्टोरल फिन ऑफ द फिशेज। स्पेरो का फिन के साथ में यहां पर करें तो ओरिजिन का सेम है, बट फंक्शन दोनों का यहां पर डिफरेंट डिफरेंट है। हाइंड लिम ऑफ द मैमल्स, ये भी यहां पर एग्जाम्पल है किसका, या होमोलॉजी का एग्जाम्पल है। पोटेटो एंड जिंजर, ये भी यहां पर होमोलॉजी का एग्जाम्पल है। रेडिश एंड कैरोट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द होमोलॉजी, होमोलॉजी इज ऑल्सो सीन अमंगेस्ट द मोलिक्यूल लेवल, दिस इज कॉल्ड द मोलिकुलर होमोलॉजी। ओके बच्चों, द फोर एग्जाम्पल द प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड ऑफ द मेन एंड एप आर द सिमिलर, बट द फंक्शंस आर डिफरेंट डिफरेंट, सो कॉल्ड द होमोलॉगस मोलिकुलर लेवल, होमोलॉगस पार्ट ऑफ द मोलिकुलर लेवल। देन द टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल डेवलप फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू लाइक मेजोटर्म, बट द फंक्शंस आर डिफरेंट डिफरेंट। देन पेक्टोरल फिन ऑफ द फिश एंड द फ्लिपर ऑफ द सील, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द होमोलॉगस ऑर्गन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों यहां पर ध्यान रखें। Then next is the divergent evolution and adaptive divergent. What do you mean about the divergent evolution and the adaptive divergent and adaptive radiation, also known as the adaptive radiation? It is a very very important topic. बच्चों बोर्ड के एग्जाम में भी, और आप देखिएगा या नीट के अंदर भी इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। या व्हाट डू यू मीन अडैप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड अडैप्टिव डाइवर्जेंट। द होमोलॉजी
found in the different animals indicate that the evolution from the common ancestor. Homology का development किस evolution से हुआ है, यहां आपसे question पूछा जाता है, तो divergent evolution से homology और homologous organs का development हुआ है. डाइवर्जेंट का मीनिंग, सपोज यहां ए एक एंसेस्टर है, उसी पर ये डाइवर्ज हो गए, दो डिफरेंट एनवायरमेंट में बी और सी यहां पर डेवलप हो गए. यहां पर बच्चों एक ये फिर बी और सी अडेप्ट हो गए इस ए से, फिर यहां दूसरा दूसरे डी के अंदर चले गए, डी एक अदर एनवायरमेंट है, ई एक अलग टाइप का एनवायरमेंट है, ए से यहां पर जी एक अलग टाइप का एनवायरमेंट है और एफ एक अलग टाइप का एनवायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट है में यहां डाइवर्ज हो गए यहां. तो इस टाइप से देखिएगा एक रेज निकल रही है, रे टाइप स्ट्रक्चर निकल रही है, तो यहां दैट इज कॉल्ड द अडेप्टिव रे, अडेप्टिव रेज और अडेप्टिव रेडिएशन for the animal being. So homology found in the different animals indicate that the evolution from the common ancestor, then species which have diverged after origin from the common ancestor giving rise to new species adapted to the new habits and way of life is called the adaptive radiation. The exhibit a large number of the homologous organs. Homology show the divergent evolution. Homology show the divergent evolution. Question can be asked in the examination. Okay, bachon. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. देन फॉर एग्जांपल द अडेप्टिव रेडिएशन गेव राइज टू ए वैरायटी ऑफ द मार्सुपियल इन द ऑस्ट्रेलियन, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये अडेप्टिव रेडिएशन का मार्सुपियल्स का. देखिएगा यहाँ एक एनसीईआरटी के डायग्राम से बताया गया है कि मार्सुपियल इनिशिएटिंग में यहां मार्सुपियल डेवलप हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके अंदर हम कहते हैं ब्रॉड पाउच पाया जाता है. ब्रॉड पाउच जो कंगारू हम देखते हैं, जिसे एक बेबी का डेवलपमेंट एक पाउच के अंदर होता है, आप देखते हो टीवी के अंदर भी, आप देखना कि कंगारू या ज्योग्राफी चैनल देखते हो तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि कंगारू के अंदर बच्चों का डेवलपमेंट है, उसके जो एब्डोमिनल पार्ट है वहां पर एक पाउच एक बैग होती है, उसके अंदर यह डेवलपमेंट होता है. तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं मार्सुपियल. मार्सुपियल रेडिएशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स का यहाँ डेवलपमेंट हुआ है. तो यहां दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन फॉर द मार्सुपियल मैमल्स, लाइक एक मार्सुपियल कोई भी रेडिएशन एनिमल है उसे यहां से बात करें हम, तो इसमें यहां सबसे पहले या शुगर ग्लाइडर टाइप का एनिमल डेवलप हुआ, वो एक ग्लाइडर का मीनिंग ये फ्लाइट टाइप का एनिमल है. देन डेजर्ट के अंदर यहाँ तस्मानिया वॉल्फ डेवलप हुआ. देन यहाँ पर दूसरे टाइगर कैट है, कैट लाइक है बट टाइगर जैसी है, यहाँ पर टाइगर कैट है और बैंडेड अंटीटर एंड मार्सुपियल रैट एंड कंगारू बने. देन वॉम्बैट एंड बैंडिकूट एंड कोआला एंड मार्सुपियल मोल, दैट टाइप ऑफ मार्सुपियल्स developed in the Australia. So we can see that that type of Australian marsupial animal developed from a single origin, single ancestor, that is called marsupial radiation. तो ये बच्चों आप बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ हमने यहाँ कंप्लीट किया है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द होमोलॉजी एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड यू विल ऑल्सो लर्न एंड ट्राई अगेन टू ट्राई फॉर द लर्निंग फॉर द रटन विद्या, ध्यान रखें यहाँ, तो जिसमें हम बार बार इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगी और हमारे एग्जाम के अंदर इसे सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच.